चाहते हो कि क्या है, कितने दिन चलेगा, कितना कीमत है, कि कौन कौन पहनता है, इज इट ब्रांड वैल्यू क्यों आप ढूंढते हो, वही यू लुक फॉर ब्रांड, ब्रांडेड है जबकि टेक्सटाइल मिल तो वही है ना, यान वहीं से निकला है, एक ही जगह से, लेकिन वही अगर डावर बना दिया तो इट्स अ ब्रांड, लाइफस्टाइल ने बना दिया तो इट्स अ ब्रांड, और वही एक हॉकर है जो बेचारा टेलर है उसने शर्ट बनाई तो उसकी कीमत कम हो जाती है, क्यों भाई, यही डिफरेंस है इसमें। लेखक के तौर पे तो कोई खास चुनौती नहीं थी क्योंकि मैंने लेखक था ना, लेकिन लेखक बना कैसे, बिकॉज आई वॉज ए स्क्रीन प्ले राइटर बेसिकली, बाबूदा जी का बड़ा एहसान है मुझ पर और उनसे ही मैंने सीखा, कहानियाँ लिखते लिखते कब किताब लिखने लगे पता नहीं चला। ऑब्स्टिकल मेरी नज़र में तो वो है भाई कि जो बेसिकली जो अट्रैक्शन ऑफ द फील्ड है, द ग्लैमर इज द मोस्ट द फेमस ऑब्स्टिकल फॉर दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ग्लैमर ही अट्रैक्ट करती है लोगों को इस इंडस्ट्री की तरफ, और ग्लैमर ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। देखिए प्रोफेशनलिज्म आप किसको कहते हैं, व्हेन इट इज़ नॉट, आपकी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज तो है नहीं एज एन इंडस्ट्री, जब रिकॉग्निशन ही नहीं है एज एन इंडस्ट्री तो वेयर द प्रोफेशनलिज्म लाइज, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम इसको जो सबसे आवश्यक चीज़ है शिक्षण, उसको महत्व नहीं देते, अशिक्षित लोग भी सोचते हैं कि हम कर लेंगे, वो कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो पहले तो गिरेंगे फिर उठेंगे फिर संभलेंगे फिर गिरेंगे, अगर ऐसे करना है तो ठीक है फाइन कर सकते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक किसी भी बिजनेस की एक इथिक होता है, वो उससे आप मिसिंग रहेंगे तो आप कैसे पूरा करेंगे, सर्कल वोंट बी कंप्लीट। मैम आप डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरी वन एंड थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, एंड अबाउट दिस बुक कंग्रेचुलेशन।